जीआई पाइप्स, पीवीसी पाइप, यूपीवीसी पाइप, सीपीवीसी पाइप, पीपीआर पाइप, कौन सा पाइप आपके घर की प्लंबिंग के लिए सही रहेगा, कौन सा पाइप जिसमें आप अपनी वाटर सप्लाई गर्म पानी की कर सकते हैं, कौन से पाइप में आप ठंडे पानी की सप्लाई कर सकते हैं, कौन सा पाइप इंडोर के लिए अच्छा रहेगा, कौन सा पाइप आउटडोर के लिए अच्छा रहेगा, कौन सा पाइप आपके बजट को कम कर सकता है, कौन सा पाइप आपके बजट को बढ़ा सकता है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन लेने के लिए आपको देखना होगा ये वीडियो। बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है हमें कि हम अपने घर की प्लंबिंग में कौन सा पाइप लगाएं। हम जाते हैं दुकानदार के पास और हम बोलते हैं कि हमें प्लंबिंग के लिए पाइप दे दीजिए, जो भी पाइप उसके पास होता है वो उसको दे देता है आपके लिए, चाहे वो यूपीवीसी पाइप हो या यूपीवीसी पाइप या सीपीवीसी पाइप। मगर आपको ये समझना चाहिए कि आपको आपके घर के लिए कौन सा पाइप लगाना चाहिए, कौन सा सॉल्वेंट आपको अपने पाइप के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, कौन कौन से ब्रांड्स अवेलेबल हैं जो आपके घर की प्लंबिंग फिटिंग को अच्छा और बेहतर मजबूती दे सकते हैं। तो ये वीडियो है आपके लिए, घर बनाओ की फैमिली के लिए। अगर इस तरह के वीडियोस आपको देखने पसंद है तो हमें नीचे कमेंट्स में बता दीजिएगा, हम आपके लिए इस तरह के वीडियोस लेकर आते रहेंगे। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में रहने वाला है आपके लिए कुछ खास, वो क्या रहेगा, आपको प्लंबिंग फिटिंग अगर खरीदनी है उसके लिए कुछ रहेंगी टिप्स, 4 से 5 ऐसी टिप्स मैं आपको देने वाला हूँ, वो वीडियो कहीं पर भी दे दूंगा मैं आपको, क्योंकि आप लोग ऐसा करेंगे टिप्स देख के भाग जाएंगे, ऐसा नहीं करना है, पूरा वीडियो देखना है, समझना है और उन टिप्स को भी देखना है। वो टिप्स आपको मदद करेंगी आपके घर की अच्छी फिटिंग खरीदने में, आपके घर की बजट फ्रेंडली फिटिंग खरीदने में, आपके घर की प्लंबिंग फिटिंग को लॉन्ग लाइफ करने में। तो उन टिप्स को देखना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल घर बनाओ में। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हम बात करने वाले हैं प्लंबिंग पाइप्स के बारे में कि आपको कौन से मटेरियल का पाइप लगाना चाहिए। बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे पाइप्स के बारे में जो घर में ज्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहले होगा जीआई पाइप, यूपीवीसी पाइप, पीवीसी पाइप, सीपीवीसी पाइप एंड पीपीआर पाइप। यही 5 हैं ऐसे जो आपको मार्केट में सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे और जो घर की प्लंबिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं। बट कौन सा पाइप आपको कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए, पूरी की पूरी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। फर्स्ट पाइप जो है वो हमारा पीपीआर पाइप। देखिए पीपीआर की फुल फॉर्म जो है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये इसकी ड्यूरेबिलिटी की बात करें, पीवीसी पाइप से भी काफी ज्यादा ड्यूरेबल होता है। थिकनेस की बात करें तो पीवीसी पाइप के कंपैरिजन में काफी ज्यादा थिक होता है, बहुत मोटा पाइप होता है। आप इसकी मोटाई देख सकते हैं स्क्रीन पर। अगर हम बात करें इसकी ड्यूरेबिलिटी की, ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है, स्ट्रेंथ वाइज भी काफी ज्यादा मजबूत होते हैं। आप इसको गर्म पानी और ठंडे पानी की सप्लाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो इसकी थर्मल कंडक्टिविटी है वो काफी ज्यादा कम होती है। इसको आप रेजिडेंशियल में, कॉमर्शियल में, इंडस्ट्री में खासकर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी जो लाइफ है कम से कम 50 साल है। आप देख रहे होंगे कि मैंने सारी खूबियां इसके बारे में बताई, फिर भी आप सोच रहे होंगे कि हम इसे घर में क्यों इस्तेमाल नहीं करते। कुछ ड्रॉबैक्स इसके हैं। ड्रॉबैक्स क्या है इसके, सबसे पहली चीज कि ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। अगर हम बात करें पीवीसी पाइप से कंपैरिजन में तो ये काफी ज्यादा महंगा होता है और इसकी जो लेबर कॉस्ट है वो भी काफी ज्यादा महंगी हो जाती है, क्योंकि जो इसके जॉइंट करने का तरीका है वो काफी अलग है। इसके लिए आपको एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है, एक हीटर की जरूरत पड़ती है और हीटर को गर्म करने के बाद इसका जॉइंट किया जाता है, इसीलिए इसकी जो कॉस्ट है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। फ्लेक्सीबिलिटी की बात करें तो और पाइप के कंपैरिजन में इसकी ये काफी ज्यादा फ्लेक्सीबल भी होते हैं। आप इसको इंडोर और आउटडोर दोनों जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम साइजेस की बात करें तो आपको 1/2 इंच से लेकर 6 इंच तक आपको आसानी से मिल जाएगा। हम बात करें इसकी लेंथ की तो ये 3 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर में आपको अवेलेबल हो जाता है। कलर की बात करें तो ज्यादातर ये आपको ग्रीन कलर में देखने को मिलेगा, मगर कुछ कंपनियां इसको व्हाइट और ब्लू कलर में भी बनाती है। ये आप आउटडोर में इस्तेमाल करें क्योंकि इसका जो यूवी रेजिस्टेंट है वो भी काफी ज्यादा होता है, ये यूवी रेस को काफी ज्यादा अंदर नहीं लेता है, तो आप बाहर जगह पे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको कंसील कहीं करना है, मान लीजिए कहीं दबाना है, वहां पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इसका मेनली ड्रॉबैक यही रहता है कि ये काफी ज्यादा महंगा हो जाता है, इसीलिए इसको हम घर की प्लंबिंग में इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिससे कि हमारा बजट ना बढ़े, क्योंकि हमारे घर के लिए तो और भी ज्यादा अच्छे पाइप अवेलेबल हैं, उनके बारे में हम बात करें आगे। मगर इंडस्ट्री में इसका अभी भी इस्तेमाल किया जा रहा है। हम बात करते हैं इसके ब्रांड्स के बारे में, तो ये सुप्रीम कंपनी बनाती है, वेक्टस कंपनी इसको बनाती है, प्रिंस में मिल जाएगा, आशीर्वाद कंपनी है, कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं, बड़े बड़े और भी कंपनियां बनाती है, बट कुछ अच्छे ब्रांड्स हैं जो जिसके बारे में मैंने आपको बताया, तो आप अगर लेना चाहते हैं तो इन ब्रांड्स का ले सकते हैं। सेकेंड पाइप जो है हमारा वो है पीवीसी पाइप, पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप, जिसे हम कहते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप, जिसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्यों, क्योंकि एक तो कॉस्ट वाइज बहुत सस्ता होता है, इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो भी काफी सस्ती होती है, इजी इंस्टॉलेशन हो जाती है, कम टाइम में काफी ज्यादा काम आप कर सकते हैं। इसकी प्राइसिंग की बात करेंगे तो काफी ज्यादा सस्ता होता है आप यूपीवीसी से, सीपीवीसी से, पीपीआर पाइप से।
इसकी जो लाइफ है वो भी काफी ज्यादा होती है। पीवीसी पाइप है तो 50 से 60 साल आराम से चल सकता है, इसमें कोई परेशानी नहीं आती है। मगर आपको इसमें ख्याल रखना पड़ता है कि इसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ आप ठंडे पानी की सप्लाई इसमें कर सकते हैं। ठंडा पानी इसका मतलब ये नहीं है कि आप माइनस डिग्री का टेम्परेचर का पानी इसके अंदर आप सप्लाई करें, नहीं, आपका जो नॉर्मल ठंडा पानी होता है सिर्फ और सिर्फ उसकी सप्लाई इसके अंदर आपको की जाती है। इसके अंदर पोर्टेबल वाटर की सप्लाई नहीं करनी चाहिए, आप इससे बीमार भी हो सकते हैं। पानी पीने का जो होता है उसकी सप्लाई के लिए अलग पाइप बनाए गए। इसके आपको इसे कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए, देखिए आपको इसमें ड्रेनेज वाटर के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। कोई भी पानी है ड्रेनेज, जैसे रेन वाटर हो गया, बालकनी का पानी हो गया, किचन का जो वेस्ट पानी है वो ह्यूमन वेस्ट में जो हम टॉयलेट के लिए इस्तेमाल करते हैं वो उसकी जगह वहाँ पर इस्तेमाल करना चाहिए। बाथरूम का जो वेस्ट पानी जा रहा है उसकी जगह इस्तेमाल करना चाहिए। वहाँ पर इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये बेहतर है, आपके बजट फ्रेंडली भी रहेगा और वहाँ पर ये अच्छा परफॉर्मेंस भी करेगा। आपको इसको इस्तेमाल नहीं करना है गर्म पानी में, बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है, क्या होगा ये मेल्ट हो जाएगा, फट सकता है, आपकी लीकेज आपके बाथरूम में ला सकता है, तो इसका इस्तेमाल वहाँ ना करें जहाँ पर आपकी गर्म पानी की सप्लाई है। कलर की बात करें तो ये मिल जाएगा आपको, वैसे तो ज्यादातर ग्रे कलर में मिलता है, व्हाइट और ग्रीन कलर में भी आपको मिल जाता है। साइजेस की बात करें तो आधा इंची से लेकर ये मिल जाता है आपको 12 इंची तक, अलग अलग साइज में आपको अवेलेबल हो जाएगा जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होती है। लेंथ की बात करें तो आपको आसानी से 3 मीटर और 6 मीटर की लेंथ में आपको आसानी से मिल जाएगा। स्ट्रेंथ वाइज बात करें तो स्ट्रेंथ जो है इसकी वो यूपीवीसी पीवीसी और पीपीआर पाइप से थोड़ी सी कम होती है, इसीलिए अपग्रेड वर्जन आए जैसे कि यूपीवीसी सीपीवीसी, इनके बारे में हम बात करेंगे। यूपीवीसी अनप्लास्टिक पीवीसी, जिसे हम कहते हैं अनप्लास्टिक पॉलीविनाइल क्लोराइड, देखिए इसकी जो स्ट्रेंथनेस है वो भी काफी ज्यादा होती है पीवीसी कंपैरिजन में। इसको भी हम सिर्फ और सिर्फ ठंडे पानी की सप्लाई में इस्तेमाल करते हैं, जो नॉर्मल पानी होता है वहीं पर इसका इस्तेमाल करना चाहिए। हम इसकी बात करें कि ये रिजिड पाइप है, जिसे हम कहते हैं कि नॉन फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होती है। हम इसकी इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं, आप अपने किचन में, बाथरूम में, अपने घर की किसी भी प्लम्बिंग में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको आप कहीं कंसील करना है, मतलब मान ले किसी फ्लोर के नीचे दबाना है, कहीं पर मिट्टी के नीचे दबाना है, वहां पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो इंस्टॉलेशन है वो भी काफी इजी होता है पीवीसी की तरह, इसको सॉल्वेंट की जैसा ही जोड़ना होता है, बहुत आसान हो जाता है। बट ये थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है पीवीसी के कंपैरिजन में, थोड़ा सा महंगा होता है, मगर उसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा बेहतर पाइप है। आज हर जगह प्लम्बिंग में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, आप देखेंगे तो इसका इस्तेमाल हर जगह दिखेगा। ये व्हाइट कलर का आपको देखने को मिलता है, जो भी व्हाइट कलर का पाइप आपको देखने को मिलता है वो लगभग यूपीवीसी पाइप ही होगा, आप देखेंगे। साइजेस की बात करें तो आधा इंची से लेकर आपको 6 इंची तक घर की फिटिंग के लिए आपको मिल जाएगा। लेंथ में आपको ये 3 मीटर और 6 मीटर में अवेलेबल हो जाता है। ब्रांड की बात करें तो ये आपको सुप्रीम में मिल जाएगा, एस्ट्रोल में मिल जाएगा, आशीर्वाद में मिल जाएगा, फिनोलेक्स, प्रिंस, ये बड़े बड़े ब्रांड है। अब हर एक ब्रांड में आपको ये यूपीवीसी पाइप मिल जाता है, आप इसको अपने घर की प्लम्बिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं सीपीवीसी फिटिंग की तरफ। देखिए सीपीवीसी क्लोरीनेटेड पीवीसी, क्लोरीनेटेड पीवीसी का मतलब है ये हमें इस्तेमाल करना चाहिए अपने पोर्टेबल वाटर यानी कि पीने की पाइपलाइन के लिए, जहां पर हम पानी पीने का इस्तेमाल करने वाले वहां के लिए सबसे बेस्ट है। यूपीवीसी पाइप को भी हम नहीं मानते हैं पीने पानी के लिए इस्तेमाल करने के लिए, अगर हम पानी पीने का इस्तेमाल करने वाले हैं तो वहां पर सबसे बेस्ट पाइप जो माना जा रहा है वो है सीपीवीसी, क्योंकि जो इसके अंदर की जो सरफेस होती है वो बैक्टीरिया फ्री है, वो जर्म फ्री बनाई गई है और वो जो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ बनाई गई, जैसे कि मान लीजिए आपका प्रेशर जो है पानी का वो इस पाइप में आपको कहीं ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा और पाइप के कंपैरिजन में। अगर आपने किसी मोटर से कनेक्ट किया गया है, आपको टैंक भरना है ऊपर, तो अच्छा प्रेशर जाएगा। अगर टैंक से पानी आपको नीचे बाथरूम में लेना है तो भी अच्छा पानी देखने को आपको मिलता है। ये थोड़े से कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होते हैं पीवीसी और यूपीवीसी के कंपैरिजन में, आपको थोड़ा सा ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा इसकी फिटिंग करवानी है अगर, मगर यूपीवीसी और पीवीसी कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बेहतर पाइप है। आपको ये येलो कलर में देखने को मिलेगा, यूपीवीसी पाइप जो होते हैं वो व्हाइट कलर के होते हैं, सीपीवीसी पाइप आपको येलो कलर के देखने को मिलते हैं। सबसे खास बात क्या है इसके अंदर, आप हॉट वाटर और कोल्ड वाटर दोनों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो 90 डिग्री टेम्परेचर तक ये झेल सकता है, आप इमेजिन कीजिए कितना भी गर्म पानी है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने घर की किसी भी फिटिंग में। अगर आपको अपने घर की फिटिंग करनी है, अगर आपको कोई बजट का इशू नहीं है तो आप इसको लगा डालिए, बिल्कुल बिंदास होकर कहीं पर भी लगा डालिए, कोई दिक्कत वाली इसके अंदर बात नहीं आती है। ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो 60 से 70 साल 80 साल 100 साल तक भी आराम से चल सकता है, तो कोई परेशानी इसके अंदर नहीं आने वाली। नेक्स्ट हम बात करें साइजेस के बारे में, तो आधा इंची से लेकर ये आपको 6 इंची तक मार्केट में आसानी से मिल जाता है। हम बात करते हैं इसकी लेंथ की, तो 3 मीटर और 5 मीटर की लेंथ में अवेलेबल हो जाएगा। ब्रांड की बात करें तो आप आशीर्वाद ले सकते हैं, एस्ट्रल ले सकते हैं, सुप्रीम ले सकते हैं, प्रिंस ले सकते हैं, फिनोलेक्स ले सकते हैं, सारी कंपनियां, ये बड़ी बड़ी कंपनियां सीपीवीसी पाइप आज बना रही हैं, तो ये बहुत ही अच्छा पाइप है। अगर हम बात करें इसकी फ्लेक्सिबिलिटी की, तो ये काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, जैसे यूपीवीसी है वो रिजिड पाइप है, ये फ्लेक्सिबल होता है, आप इसको थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल कर सकते हैं।
है। इसके अंदर कुछ खूबियां हैं जो यूपीवीसी पाइप में नहीं होती, इसीलिए इसका इस्तेमाल आप अपने घर में आसानी से कर सकते। बढ़ते हैं अपने लास्ट पाइप की तरफ, जो है हमारा जीआई पाइप, जिसे हम कहते हैं गैल्वनाइज आयरन पाइप। देखिए, जो गैल्वनाइज आयरन पाइप है वो पहले इस्तेमाल किया जाता था 10 से 15 साल पहले। उस टाइम पे क्या है कि वो हमारा ऑप्शन नहीं था इसके अलावा इस्तेमाल करने का। अब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ गए। आप देखेंगे ये विलुप्त होता जा रहा है धीरे धीरे, मगर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में आज भी इस्तेमाल किया जाता है। मगर हम घर में इस्तेमाल क्यों नहीं करते? देखिए, सबसे पहली चीज, इसकी जो लाइफ है वो काफी ज्यादा कम होती है। 10 से 15 साल में आपने देखा है सड़ जाता है, गल जाता है, इसके अंदर जो रस्टिंग आ जाती है वो आ जाती है। दूसरा कि इसकी जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी हो जाती है, इसकी जो फिटिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा महंगी है, इसकी जो पाइप की लेंथ आती है वो भी ज़्यादा महंगी आती है। और दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट जो है, इसका रिपेयर करना और इसको जॉइंट करना, इसकी फिटिंग करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए इसकी जो लेबर कॉस्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए आप हम इसको घर के फिटिंग में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। बात करते हैं इसके कुछ फायदे भी थे, क्योंकि इसके अंदर आप हॉट वाटर और कोल्ड वाटर, कितना भी गर्म पानी, कितना भी ठंडा पानी इसके अंदर चला सकते हैं बिंदास, क्योंकि तो लोहे का है, क्योंकि जो इसकी सरफेस है वो माइल्ड स्टील की होती है, उसके ऊपर हमने जिंक की कोटिंग की होती है। तो इस सारा का सारा प्रोसेस करके हमें इसे बनाया, पाइप को बनाया जाता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। बस क्या था कि इसकी कॉस्ट ज़्यादा हो रही है, इसकी रिपेयरिंग करना मुश्किल हो जाता है, इसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा कम है, तो हम क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास बेहतर ऑप्शन अवेलेबल है। बात करें इसकी लेंथ के बारे में, तो आपको 3 मीटर से 6 मीटर की लेंथ में मिल जाएगा, और साइज की बात करें तो 1/2 इंच से लेकर 6 इंच तक ये आपको घर की फिटिंग के लिए अवेलेबल हो जाता है। इससे बड़ी फिटिंग भी है जो कमर्शियल एरिया में इस्तेमाल की जाती है। जो इसके ब्रांड्स हैं वो को जिंदल बनाता है, टाटा बनाता है, स्वास्तिक प्रकाश बनाता है, और हिंदुस्तान, ये कुछ बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो अभी भी जीआई पाइप्स को बना रहे हैं। हम बात करते हैं इसी क्लास की। देखिए, 3 अलग अलग क्लास में डिवाइड किया गया है, जैसे क्लास A, क्लास B, क्लास C, ये अलग अलग प्रेशर की जो प्रेशर होते हैं उसके हिसाब से इसको डिवाइड किया, लाइट कैटेगरी है, मीडियम कैटेगरी और हैवी कैटेगरी। जिस तरह का प्रेशर है उस तरीके के जगह पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो लाइट कैटेगरी है उसको हम येलो कलर से डिनोट करते हैं, जो मीडियम कैटेगरी है उसको ब्लू कलर से, और जो हैवी कैटेगरी है उसको रेड कलर से इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, रेड कलर की पट्टी आपको देखने को मिलेगी। इस तरीके से इसको डिवाइड किया अलग अलग क्लास में। इसका इस्तेमाल कहाँ करना चाहिए? देखिए, इसका इस्तेमाल आप इंडोर में करें, आउटडोर में करें। आज देखा होगा आजकल आपने कि किचन की जो लाइन आती है गैस लाइन, उसमें सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, तो यहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता था। अब आ गई है वो घड़ी, जो लोग यहाँ तक देख रहे हैं हमारा वीडियो, उनके लिए खास तोहफा। वो तोहफा क्या है कि कुछ ऐसी टिप्स जो आपको पाइप खरीदने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी, आपका बजट भी अच्छा करेगी, और आपकी जो प्लम्बिंग की जो लाइफ है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगी। सबसे पहली टिप क्या रहेगी आपके लिए, वो ये रहेगी कि आप कोई भी ब्रांड का, चाहे आप UPVC पाइप ले रहे हैं, चाहे CPVC पाइप ले रहे हैं, चाहे PVC पाइप ले रहे हैं, तो उसी ब्रांड का आपको सॉल्वेंट खरीदना है। बहुत बार ये देखा गया है कि जो हम अलग कंपनी का सॉल्वेंट खरीद लेते हैं, तो जॉइंट करने के बाद कुछ टाइम बाद वो जॉइंट्स वहाँ से लीक करने लग जाता है। तो आपको खास ख्याल रखना है, जो भी कंपनी का आपने पाइप लिया है तो उसी कंपनी का आपको सॉल्वेंट लगाना है। टिप नंबर 2, आपको क्या करना है, अगर आपका बजट अच्छा खासा है तो आपको क्या करना है, CPVC पाइप लगा लेना है। बिना किसी सोचे समझे आप CPVC पाइप लगाएं। मगर आप चाहते हैं कि यार नहीं, हमारा बजट इतना ज़्यादा, हमें क्यों करना पैसा खर्च, और हम चाहते हैं कि हमारा बजट भी अच्छा हो जाए और हमारी फिटिंग भी अच्छी हो जाए, तो टिप नंबर 3 वो क्या रहेगी, आप ठंडे पानी की सप्लाई जहां करनी है आपको UPVC पाइप लगाएं, आपको गर्म पानी की जहां सप्लाई लेनी है वहां पर आप CPVC पाइप लगा लीजिए। और अगर कहीं पर भी आपको ड्रेनेज जाना है, जैसे कि आपको बालकनी का पानी ले जाना है, रेन वाटर ले जाना है, कहीं बाहर वेस्ट पानी में जो सीवर वगैरह में जाएगा, आपका जो ह्यूमन वेस्ट है वहां बाहर निकालना है, टैंक में पहुंचाना है, या किचन का जो पानी है वेस्ट है वो ले जाना है, वहां पर आप PVC का पाइप लगाएं, जो ग्रे कलर का आता है, या 3 इंची 4 इंची कोई भी साइज में आप लगा सकते हैं। तो यहां आपका काफी ज्यादा पैसा बच जाएगा। टिप नंबर 4 वो क्या रहेगी, देखिए, जब आप पूरी फिटिंग कर लेते हैं, अपने पूरी बाथरूम की, किचन की, या पूरे घर की फिटिंग हो जाती है, तो उसको कवर करने से पहले, उसके ऊपर प्लास्टर लगाने से पहले आपको क्या करना है, प्रेशर टेस्ट। ये ध्यान रखिएगा, प्रेशर टेस्ट जरूर कीजिएगा। प्रेशर टेस्ट का ऐसा कोई इक्विपमेंट वगैरह की जरूरत नहीं है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप कोई समरसिबल या कोई हाई प्रेशर की जो मोटर आती है उससे भी आप कनेक्ट करके सारे पाइप्स की फिटिंग को चेक कर सकते हैं बिना किसी कवरेज किए। आप देखेंगे अगर कहीं पर भी लीकेज है तो आप ठीक कर सकते हैं, अदरवाइज एक बार कवरेज हो जाएगी तो काफी समय तक आपको वो देखने को नहीं मिलेगी, और अगर आपकी टाइलिंग वगैरह हो गई तो आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है। टिप नंबर 5 वो रहेगी, आप जब भी अपना PVC पाइप खरीदते हैं ड्रेनेज के लिए, तो आपको क्या करना है, ये 2 कैटेगरी में आता है, 4 kg/cm² और 6 kg/cm² में। ये प्रेशर की एक कैटेगरी है, पर आपको इतना ज्यादा ध्यान नहीं रखना, आप देखिए ध्यान रखिए 4 kg और 6 kg,
आपको क्या करना है, आपको जब भी कहीं पर भी कंसील करना है, कोई सीवेज का पाइप ले जाना है, कोई बड़ा पाइप ले जाना है, कहीं अंडरग्राउंड करना है, कोई ग्राउंड फ्लोर है उसके नीचे दबाना है, तो वहां पर आपको ख्याल रखना है कि 6 किलोग्राम वाला पाइप लेना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, थोड़ा कॉस्ट तो बढ़ेगा मगर आपको लाइफ टाइम परेशानी नहीं होगी। कोई पाइप पर कोई किसी तरह का कोई वेट आ जाता है तो वो झेल सकता है क्योंकि उसकी थिकनेस काफी ज्यादा मोटी होती है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अगर ओपन है कहीं पर भी, जैसे मान लीजिए आपने कहीं सॉफ्ट में से ले जाना पड़ रहा है आपको पाइप, या कहीं आपने लेंटर से पाइप को निकाला है, तो वहां कोई जरूरत नहीं 6 किलोग्राम की, वहां 4 किलोग्राम इस्तेमाल कीजिए। अगर कहीं पर आपको दबाना है, कहीं पर प्रेशर आने वाला है, गाड़ियां चलने वाली है आपकी पार्किंग में, या आप चलने वाले हैं उसके ऊपर फ्लोरिंग होने वाली है, तो आपको ध्यान रखना है वहां पर 6 किलोग्राम वाला पाइप लगाना। तो ये थी कुछ टिप्स आप सभी लोगों के लिए जो हमें इतना प्यार देते हैं, जो हमारा वीडियोस देखते हैं, हम उसकी मदद करना चाहते हैं कि वो अपना घर अच्छा बना सके और अपने पैसे बचा सके, अपने साथ धोखा होने से बचा सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है क्या करना है आपको, लाइक वीडियो को शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है, जिससे कि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, आप तक ध्यान रखिएगा आप तक पहुंचे। तो हमारे वीडियोस देखते रहिए, इस तरह का प्यार हमें देते रहिए। अगर आप दिल्ली NCR में, अगर आपको होम कंस्ट्रक्शन या होम रेनोवेशन से रिलेटेड कोई भी सर्विस लेनी है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर, मगर टाइमिंग ध्यान रखिएगा 10 से 6 बजे के बीच में ही कॉल कीजिए। अगर आप, बहुत से लोग क्या करते हैं रात को 10 बजे 11 बजे फोन कर देते हैं, इस तरह का काम मत कीजिएगा क्योंकि वो कॉल नहीं उठाया जाएगा। तो आप ध्यान रखिए 10 से 6 बजे के बीच में कॉल कीजिए। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे नए साल में, तो इस तरह के वीडियोस हम लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, बाय, थैंक यू।